सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। जुए यानी हेडलाइस के बारे में लोग बाग बहुत परेशान रहते हैं। इस चैनल पे मेरा एक वीडियो है जुओं के बारे में, जिसपे कई कमेंट्स आते हैं जुओं के लिए, और इसके अलावा मेरे पेशेंट्स अक्सर कई चीजें पूछते रहते हैं। इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में आज आपसे बात करूंगा और उनके समाधान की बात आपको बताऊंगा। जुओं के बारे में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं, हमने सब कुछ कर लिया, सारे उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी हमारे जुए जाते नहीं है, जुए ठीक नहीं होते हैं, इसके लिए हम क्या करें। देखिए, जुए ठीक नहीं होने के दो बड़े कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि आप ठीक से उनका इलाज नहीं करते हैं, ठीक से दवाई नहीं लगाते हैं, और दूसरा ये कि आपने जुए तो ठीक कर लिए, लेकिन आपके परिवार में आपके साथ रहने वाले लोग जो दूसरे लोग हैं, आपने उनको चेक नहीं किया। हो सकता है उनमें से किसी के जुए हो, और जब तक उनका इलाज नहीं होगा तब तक आपके जुए ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आपको दोबारा जुए उनसे कॉन्टेक्ट से हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जुए मारने की दवाई किस प्रकार से आपको लगानी चाहिए। दवाई लगाने से पहले कुछ आपको करना है। सबसे पहले तो एक बारीक कंघी से आपको जुए लिखे निकालनी है। इसके लिए पहले आप अपने सिर को थोड़ा गीला कर लीजिए पानी से, फिर उसमें कुछ तेल डाल लीजिएगा, और उसके बाद बारीक कंघी लेवे और उससे जुए लिखे निकालते रहे। अगर एक दिन में सारा निकालना संभव नहीं हो तो आप दो तीन दिन लगा सकते हैं, लेकिन जब तक सारे जुए लिखे नहीं निकले तब तक ये क्रिया चालू रखिए। जुए लिखे निकालने के बाद फिर आपको दवाई डालनी है। दवाई कैसे डालनी है इसको जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। दवाई जनरली हम लोग 1% परमेथ्रिन यूज करते हैं लोशन के रूप में, शैम्पू के रूप में कुछ लोग यूज करते हैं, पर ज्यादातर लोशन के रूप में काम में ली जाती है। जुए लिखे निकालने के बाद बालों को कोई रेगुलर शैम्पू कर लें, लेकिन इसमें कंडीशनर नहीं होना चाहिए। उसके बाद बालों को सुखा लें, और उसके बाद फिर 1% परमेथ्रिन लोशन बालों को अच्छी तरह से खोल के सारे बालों में अच्छी तरह से लगा दीजिएगा। ये लोशन बालों की जड़ से लेके और बालों के एंड तक अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। ये लोशन खासकर कान के ऊपर वाले हिस्से में और गर्दन के पीछे वाले हिस्से में, इन पे जरूर अच्छी तरह से लगाएं, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर जुएं रहती हैं। इस लोशन को 10 मिनट तक लगा रहने दें, उसके बाद बालों को फिर धो लें, उसको टॉवल से सूखा कर लें, और एक बार फिर कंघी करके जो कुछ भी लीखे या जुए रह गई हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। इस प्रोसेस को 10 दिन बाद एक बार फिर रिपीट करना है। अब जुए खत्म करने का जो दूसरा जरूरी स्टेप है वो ये है कि आप चेक करें घर में कि किसी और को जुए या लीखे तो नहीं है। अगर किसी को है तो उनका भी इलाज इसी तरह से करें जैसे मैंने अभी आपको आपके लिए बताया है, क्योंकि अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो आपको जुए फिर दोबारा हो जाएंगे। इसके अलावा जिनको जुए हैं उनके कपड़े गर्म पानी में अलग से धोले में, और उनके हेड्स, स्कार्फ, टॉवल्स, कंघे, हेड गियर, ये सब जो पर्सनल आइटम्स हैं वो उनको कोई दूसरा शेयर नहीं करें। कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि अगर सिर में फुंसियां हैं और जुए भी हैं तो हम क्या करें। तो अगर सिर में फुंसियां हैं, उनमें पानी आता है, तो सबसे पहले उनका इलाज करिए, और उनका इलाज करने के लिए आपको वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स लगाने के लिए भी और एंटीबायोटिक्स खाने के लिए भी देंगे। उससे पहले फुंसियां ठीक हो जाएंगी, और फुंसियां ठीक होने के बाद फिर जुओं का ट्रीटमेंट ऐसा करिए जैसे मैंने आपको अभी बताया। कुछ पेशेंट्स पूछते हैं, और एक वीडियो कमेंट भी आया है, कि जुओं के लिए क्या हम आइवरमेक्टिन दवा यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जुओं के लिए जो दवाइयां 1% परमेथ्रिन लोशन जो मैंने आपको बताई, अगर उनसे ठीक नहीं होते हैं जुए और सारी प्रक्रिया आपने ठीक से की उसके बावजूद भी जुए ठीक नहीं होते हैं, तो फिर हम आइवरमेक्टिन का यूज कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन लगाने के लिए भी दी जाती है 0.5% लोशन के रूप में, और इसको खाने के लिए भी 12 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, वो एक टेबलेट देते हैं और 10 दिन बाद वापस एक बार इस टेबलेट को रिपीट करते हैं। लेकिन ये दवाई जो है 6 महीने से छोटे बच्चे को नहीं दे सकते, और ये दवाई आप अपने आप नहीं ले सकते, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही लेना पड़ेगा आपको। जुए से छुटकारा नहीं पाने का एक और कारण भी है कि लोग बाग अपने आप इलाज कर लेते हैं और डॉक्टर पास कभी जाते भी नहीं है, और कभी कभी तो लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि उनके सिर में जुए हैं, कि उनको सिर्फ सिर में खुजली आती है, वो सोचते हैं ये हो सकता है डेंड्रफ के कारण से हो या किसी और के कारण से हो। तो अगर आपके सिर में खुजली आ रही है, खासकर पिछले भाग में, तो चेक करवाएं कि कहीं वह जुए तो नहीं है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हमारे जुए हैं और उनमें इन्फेक्शन हो गया है तो क्या कोई हमारे शरीर को और कोई नुकसान हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके जुए हैं और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद में वहां पे फुंसियां बन जाएंगी, और फुंसियां बनने के बाद में
फिर वहां पे गर्दन के पीछे कुछ गांठें बन जाएंगी, लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो फूल जाएंगी और इसके बाद इन्फेक्शन पूरी बॉडी में कहीं भी जा सकता है और आपकी किडनी तक खराब हो सकती है। इसलिए जुओं का ट्रीटमेंट कराना बहुत आवश्यक है। अगर जुओं के बारे में आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, धन्यवाद।